इस तरह से इसका स्प्रे निकलता है वगैरह। अभी जो बाहर निकला स्प्रे, आपको मालूम है क्या है ये? ये केरोसिन है, इसके अंदर केरोसिन डाला है और पेस्टिसाइड भी लगाया है और इसको प्रेशराइज किया है एलपीजी से। मतलब ये जो निकल रहा है बाहर, ये जो निकल रहा है, ये एलपीजी और केरोसिन का मिक्सचर निकल रहा है। और ये जो क्लाउड है, ये हमारे घर में इस तरह से ये फैलता है और भगवान के सामने अगर दिया जल रहा है, किचन में अगर खाना पक रहा है एलपीजी इसके ऊपर और उसके कॉन्टैक्ट में चला गया तो फ्लैश बैक हो जाएगा और अंदर लग जाएगा। मतलब आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कैसे अंदर लगा। बच्चा घर में यूज कर रहा है, बच्चा हो गया, या घर में कोई लेडीज यूज कर रही है और ब्लास्ट हो गया, मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो अभी आप देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा आपको कैसा क्या है, क्या कितना डेंजरस है। इसको वापरने से पहले आपको ये देखना है कि घर में कोई ओपन फ्लेम भगवान के सामने कोई दिया वगैरह है उसको पूजा दीजिए। लाइट चलेगा? हाँ लाइट चलेगा, लाइट के तो सुनिए ओपन फ्लेम कैंडल वगैरह। घर में अगर एलपीजी वगैरह जो खाना पक रहा है उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, लेडीज जनरली किचन में खाना पक रहा है, लेडीज आती है कॉकरोच दिखा ऐसे ऐसे मारना शुरू कर देती है और अंदर हो जाता है। एडवर्टाइज भी ऐसे ही है। आइए एक मिनट जरा बैठिए सर, लास्ट एक।